नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। पिछले दिनों पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। आज उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर के रेवतीपुर गाँव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस और सैम पित्रोदा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गांव कलेक्टेड हो गए, किसान को आमदनी बढ़े इसके लिए सरकार, गरीब आदमी को रहने का घर, खाने के लिए भोजन, इलाज के लिए दवा, पढ़ने का इंतजाम, ये सब उसी से हो सकता है। उस दिशा में सरकार ने 5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ सराहनीय कार्य किया। पूरे दुनिया का नजरिया भारत को देखने का बदल गया है। भारत का जो सम्मान आज पूरी दुनिया में है, मैं समझता हूँ ऐसा सम्मान कभी नहीं। कुछ लोग हैं, अमेरिकी नागरिक सैम पित्रोदा, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष के सलाहकार, पूर्व में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के सरकार में भारत सरकार के नियुक्त वरिष्ठ सलाहकार, या मैं कहूं कि टेलीकॉम के विशेषज्ञ। तो उन्होंने एक बयान दिया, आप सबने पढ़ा है और सुना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और ये पहला बयान नहीं है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो, बीके हरिप्रसाद हो, कांग्रेस के 13 वरिष्ठ नेताओं ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। और कांग्रेस पर